उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज यूनिट नंबर टू क्लास 5 की जो मैथ है उसका एलसीएम आज हम करेंगे। कल हमने एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमने वो किए थे। आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 2.2। बहुत छोटी वीडियो होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है जी। हमने जैसे लीस्ट कॉमन एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के या उससे ज़्यादा। तो इसके भी दो मेथड्स है, जैसे एचसीएफ के भी दो मेथड्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है जी डिवीजन मेथड। तो इसको किस तरीके से किया जाता है वो आज हम करेंगे। तो मैं डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ ताकि फिर हम वहीं से ही ले लें। ठीक है, अब क्वेश्चन हम फिर यहीं से ले लें। तो क्वेश्चन है जी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले, मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से, कि मेथड्स आपके पास दो हैं, आप किसी भी एक मेथड में आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है जी, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई सवाल आ गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से हैं दोनों के या इसके, तो आप किसी एक से भी कर सकते हैं ना। आपसे का वहाँ पे ये तो नहीं कि आपको बाउंड किया जाएगा कि ये आप इसी मेथड से करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें। तो आप किसी एक मेथड से आप अपने आप में माहिर कर दें और फिर वही फॉलो करते रहें। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर लेती हूँ, 36 एंड 54। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, लेट मी सेलेक्ट द पेन। जी, तो क्वेश्चन था 36 एंड 54, और हम इसका क्या मालूम कर रहे हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपने 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है जी, 36 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 2, 1 इस तरफ चला ही जाएगा 6 की तरफ, तो ये 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 36 के जो हो गए फैक्टर्स। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं किसके, 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 4, 1 इधर चला गया, तो 2 7 14। अब 3 का आएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 36 के फैक्टर्स कौन से निकले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 54 के कौन से निकले हैं, वो निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका रूल क्या होता है कि आपने सबसे पहले कॉमन देखने हैं वो कौन से हैं। तो एक जैसे, मतलब ये एक कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। ठीक है, अब आपने जो कॉमन है उनको एक तरफ करके रखना है। कौन कौन से थे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और जो अनकॉमन है वो भी आपने यहाँ अब रखने हैं। अनकॉमन कौन से थे, एक ये 2 था और एक ये 3 था, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आपने करना है 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 3 ये हो जाएगा 108। तो ये आपका आंसर आ गया, 108 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ जो मतलब बड़ा हो ना। अब मैं कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, 16 24 एंड 40। तो सबसे पहले आपने 16 के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ये जी 16 के फैक्टर्स निकल गए। अब हम 24 के निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6 3 का आएगा, 3 1 3। ठीक है, उसके बाद किसके हमें निकालने हैं, निकालने हैं जी 40 के। तो 40 के निकालते हैं, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो अब मैं फैक्टर्स जो हूँ वो लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो हैं जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स हैं जी 24 के, तो 24 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद 40 के जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो कौन से निकाले हैं, वो निकाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब आपने सबसे पहले कॉमन देखने हैं कौन से हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो ये आपने एक एक करके लिखना है, ठीक है। और अब अनकॉमन कौन से, ये तीनों अनकॉमन है 2 3 5, तो ये भी आपने रखना है यहाँ पे 2 3 5। अब आना है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ठीक है जी। 16 3 ज़ा 48 और 48 5 ज़ा ये आपका होगा 240। ये आप रफ करके देखें 240, तो ये आपका 240, मैं इसको सही करके लिखूं वरना फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 240 ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसके 16 24 एंड 40 के, ठीक है। ये हमने कर लिया जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कौन सा मेथड उन्होंने कहा है, अब नेक्स्ट उन्होंने जो मेथड कहा है वो है डिवीजन मेथड, ठीक है जी। तो उसका मैं आपको, वो बहुत इजी है, उसका मैं एक ही क्वेश्चन करूँगी। कहाँ गया, तो एलसीएम मालूम करें डिवीजन मेथड से, तो मैं एक का ही करती हूँ 16 24 का मैं कर लेती हूँ, ठीक है। लेट मी स्टॉप, जी तो मैं कर लेती हूँ जी 16 और 24 का कर लेती हूँ। तो सेलेक्ट द पेन, या तो आपने किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रही हूँ मैं, ठीक है, सॉरी डिवीजन मेथड 16 एंड 24, तो आपने करके रखना है वही, हम उसी वही सेम तरीका होगा। तो 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2। अब यहाँ पे अलग अलग है, तो पहले आप 2 का लगाएंगे, ठीक है, 3 वैसा का वैसा नीचे आएगा, बीच में कामा देते हैं ताकि ये ना लगे कि 46 है क्या है, और उसके बाद आप 3 का लगाएंगे 3 1, ठीक है जी 1 1 आ गया। अब हम यहीं से ही करेंगे, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 3 ज़ा 1/2 का हो जाएगा 42। ये आपका 42 लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, ठीक है। तो ये जी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम है और वो मैं सारे करवाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।